हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अगेन चैप्टर 6 बिकॉज हमारे कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे. उन क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट चैप्टर 7. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 व्हाट इज गिवन. हमने 3 क्वेश्चंस तक हो गए थे, अपने डिवीजन मेथड चल रहा था रूट फाइंड करने का. तो डिवीजन मेथड कंप्लीट हो गया था, डेसिमल्स नंबर का भी हमने रूट फाइंड कर लिया था बाय द डिवीजन मेथड. और मैंने ये भी बताया था कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ डिवीजन मेथड से ही हम डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, हम नॉर्मली प्राइम फैक्टर से भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. बट द इजी वे यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट. अब जो आपको गिवन है कुछ है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड मस्ट बी एडेड. आपको याद होगा हमने 6.2 या 3 में मस्ट बी मल्टीप्लाई एंड मस्ट बी डिवाइड गिवन था. और वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मस्ट बी मल्टीप्लाई जो नंबर आपका रह जाता है, जो पेयर नहीं बनता, वही नंबर आपको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. और अगर डिवाइड दे रखा है तो उसी नंबर से डिवाइड करना है टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. पर बेटा उसमें मैंने कहा था कि यूज़ विच मैथड, प्राइम फैक्टर. अब कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मैम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दिया हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टर यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड. ये इन दो क्वेश्चनों के लिए स्पेशल है. अगर आपको सब्ट्रैक्टेड और एडिड दे रखा है तो वहाँ पे जो मेथड यूज़ करना है टू फाइंड ए स्क्वायर इज डिवीजन मेथड. कौन सा यूज़ करना है आपको, डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट. ये किस में यूज़ करना है, जब आपको व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई या व्हाट शुड बी डिवाइड गिवन हो. ये वाला मेथड तब यूज़ करना है जब गिवन हो आपको व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई और डिवाइड. ये कब यूज़ करना है, जब आपको गिवन हो मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड मस्ट बी एडेड. तो रीड स्टेटमेंट प्रॉपरली आपसे यहाँ पे पूछा है, वो छोटे से छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ जो मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, अगर हम उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन दिया है तो यूज़ डिवीजन मैथड ओनली, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दिया है देन यूज़ प्राइम फैक्टर. यहाँ आपको यही यूज़ करने पड़ेंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप प्राइम फैक्टर यूज़ करोगे या डिवीजन. वहाँ पे पर्टिकुलरली इनके लिए डिवीजन और उनके लिए प्राइम फैक्टर. अब आ जाओ मस्ट बी सब्ट्रैक्शन में क्या करना है और मस्ट बी एडिशन में क्या करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. सब्ट्रैक्शन से आपको नाम से ही पता है कि कुछ ना कुछ हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एडिशन से हमें पता है इसमें कुछ ना कुछ हम ऐड ही करेंगे. दो मेथड हैं इसको फाइंड करने के, दोनों में से जो आपको ईजी लगे उसको फॉलो कर लेना. अब सबसे पहले सब्ट्रैक्शन वाले केस पे आ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नीचे गिवन है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5. अब मैं मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन नंबर 4 है. करना क्या है, सबसे पहला स्टेप कि आपको इसमें यूज़ करना है डिवीजन मेथड. हम नहीं यूज़ कर सकते इसमें प्राइम फैक्टर जब क्या गिवन हो, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. तो सबसे पहले डिवीजन मेथड के रूल याद कर लो. आपको नंबर गिवन है 402, पीछे से पेयर बनाना है, पीछे से पेयर हो गया, यहाँ रिमेनिंग नंबर बचा आपका 4, फिर 1 जा, यही चलेगा, एंड 2 जा, एंड 3 जा. अब 3 जा 9 होता है तो वो ज़्यादा हो गया, और 2 जा पे ये जा रहा है तो 2 जा 4. नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सिंगल नंबर नहीं आता नीचे, सब ये तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गया, और वहाँ से पेयर आता है और आप इसका डबल करते हो. कोशेंट का हमेशा डबल होता है, कोशेंट का डबल हुआ तो 4. अब ये तो जाएगा नहीं, अगर 4 के साथ मैं 1 भी लेती हूँ तो मेरा 41 आ रहा है. तो इट मीन्स यही आपका क्या है, रिमाइंडर है, नहीं गया, आप 0 पे लेके जा सकते हो. तो पुट 0 हियर, और यहाँ पे 0, एंड दिस इज़ योर रिमाइंडर. क्यों लिया मैंने 0 पे, अगर मैं 1 ले रही हूँ तो मेरा यहाँ 41 आ रहा है, और यहाँ क्या गिवन है, 2. 41 हम ले नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया. 0 तो हम ले ही सकते हैं, 0 में से माइनस किया तो ये मेरा आ गया रिमाइंडर. अब बात आ जाओ मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, हमें यही नंबर इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. तो कौन सा नंबर, जो आपका रिमाइंडर आता है उसको मेन नंबर में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट. 402 आया, 402 में से क्या माइनस करना है आपको, 2 माइनस करना है, और आंसर आ गया आपका 400. चेक दिस वन, 400. अब 400 को चेक करके बताओ
इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। चेक करें अगेन डिवीजन मेथड, ये 400 हो गया, पेयर बनाओ 2 2 जा 4, फिर आपका पेयर नीचे आएगा 0 और 2 का डबल करोगे 4, तो ये 0 पे जाएगा एंड 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 और रिमाइंडर 0। देखो दिस वन इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, किसका 20 का। आपने क्या किया, जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को उस नंबर में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। आपको सिर्फ यही करना है, यूज डिवीजन मेथड, फाइंड रिमाइंडर और रिमाइंडर को इस नंबर में से क्या करना है, माइनस। आई होप इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इजिली। आई विल डू ओनली 2 parts, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ। देयर इज गिवन 1989, आप ट्राई करो इसको। पेयर बने फर्स्ट स्टेप, सेकेंड 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 5 5 जा 25 होता है, तो मैं 4 पे ले रही हूँ, 4 4 जा 16। अब आपका काम है सब्ट्रैक्ट करना, 3 आया और ऊपर से पेयर उतारना 89। अब इसका होता है डबल, 4 का डबल होता है 8। अब 8 को चेक करो, इसको सिर्फ दो नंबर को ही चेक कर लो, 8 4 जा 32 होता है और 8 5 जा पे जाएगा नहीं, तो 4 जा पे हम, मुझे नहीं लगता, चलो चेक कर लेते हैं 4 जा पे। अब 4 जा पे करोगे तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 एंड 33। कंप्लीट तो नहीं जाएगा बट कुछ ना कुछ रिमाइंडर, क्योंकि दीज नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, हमें बनाना है इनको परफेक्ट, और परफेक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा ही। तो ये 4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा और आपने सब्ट्रैक्ट किया, 9 में से 6 गए 3, 53 आ गया। ये हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, अगर ये छोटा नहीं हो तो प्लीज़ अब दूसरे नंबर पर ट्राई कर लेना। अब ये आ गया आपका रिमाइंडर, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करना है। किस में से, 1989 में से क्या माइनस कर दो, 53। जो नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने माइनस किया, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गया 3, 9 1। ये जो नंबर है आप अब इसको चेक करो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चेक जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एज इट इज छोड़ दो। पेयर हो गए कंप्लीट, आपने वही 4 4 जा पे गया, 4 4 जा 16, 3 और ऊपर से पेयर उतारा 3 3 6, 4 2 जा 8, आपको पता है ये 4 जा पे पूरा जाएगा। दिस इज योर आंसर, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 44 का। तो ये दोनों पार्ट आपको करके दिखाने हैं, पहला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर, हमने रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया, देन अगेन वी विल शो इट कि दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, यू विल ट्राई ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है आपको व्हाट मस्ट बी एडिड। देखो लाइन में ही है, मस्ट बी एडिड है, हमने कुछ ना कुछ ऐड करना है। पहले मैं एडिशन वाला ही मेथड बता रहा हूँ, फिर इसमें भी मैं आपको सब्ट्रैक्ट करवाऊँगी, अगर आपको जो इजी लगे आप उससे कर लेना, मेरा काम वही है। इसका क्या लेना है आपको, डिवीजन मेथड से रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपने पेयर बनाए, पेयर बना के 2 2 जा 4 और माइनस किया तो 1, अब पेयर नीचे आ गया 125, 2 का डबल 4, 4 3 जा 12 होता है, तो 3 3 जा ज़्यादा जाएगा, आप 2 पे ट्राई कर लो, क्या आया आपका 2, क्योंकि मैं 3 पे लेके दिखा देती हूँ आपको, 3 पे लोगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ये ज़्यादा आ रहा है 129, तो आप 2 पे ट्राई करो, और अगर 2 पे ट्राई करेंगे तो हमारा आएगा 84। आपने इसमें से माइनस किया और 12 में से 8 गया 4, इसमें रिमाइंडर की वैल्यू नहीं है, रिमाइंडर को छोड़ दो, किस पे गया, इस पे जाओ। मस्ट बी एडिड बोलता है ना, तो ये जो 22 है ना, जो आपका क्वेश्चन आया है उस 22 में आप 1 ऐड कर दो, बन जाएगा क्या 23। ऑलवेज यही करना है, स्टेप समझो, जो क्वेश्चन आता है उसमें 1 ऐड कर दो, मस्ट बी एडिड है ना, तो मैंने उसमें 1 ऐड किया, क्या बन गया 23। अब आपको 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। अब आपको 23 का क्या, मैंने 30 तक आपको स्क्वायर लर्न करने के लिए बोले थे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 23 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 529। इस 529 में से जो नंबर गिवन था उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जो नंबर आएगा, दिस नंबर मस्ट बी एडिड, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या ऐड करना है मुझे, 4। अगर मैं 525 में 4 को ऐड कर दूं तो 529, अब चेक करो 529, 529 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, चेक कर लो, 2 2 जा 4, आपका 129 बचा,
टू का डबल फोर होता है, देखो थ्री पे पूरा जा रहा है, थ्री थ्री जा नाइन, ट्वेल्व हो गया परफेक्ट स्क्वायर। एक तो मेथड ये है, इसमें क्या करते हैं हम जो कोशेंट आता है उसमें प्लस वन कर देते हैं, प्लस वन के बाद जो नंबर आएगा उसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, और उसके स्क्वायर में से एक्चुअल नंबर को माइनस कर देते हैं, वही नंबर आएगा। अगर मैं उस नंबर को इस नंबर में ऐड कर दूं तो ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा मेथड इसी में समझो, अगर आपको ये इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना तो यहीं आ जाओ। यहाँ पे आपका थ्री पे नहीं जा रहा था और मैंने किस पे लिया था, फिर टू पे लिया था। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये टू पे जा रहा है तो उससे एक नंबर बड़ा ले लो, थ्री ले लो यहाँ पे, और मैंने यहाँ थ्री लिया और ये नंबर आया आपका 129। देखो जा तो ये रहा था टू पे और मैंने लिया है यहाँ पे थ्री, आप थ्री लोगे उससे एक बड़ा जिस पे ये जा रहा है। अब आपको देखो पहले माइनस करते थे 125 में से ये वाली चीज़, बट अब मैं उल्टा माइनस करूँगी, अब 129 में से मैं 125 को माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 4। सीधा व्हाट शुड बी एडेड, यहाँ जो आया था आपका ये आया 20, ये कुछ भी लिखो आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको इसमें माइनस करवाया था ना, इस वाले क्वेश्चन में आप इसको इसमें ऐड करोगे। तो व्हाट शुड बी एडेड इन दिस नंबर, इसमें 4 अगर ऐड कर देंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक दिस इज़ द ईजी वे टू फाइंड व्हाट शुड बी एडेड एंड ईजिली कैन बी राइट 4। आपको नंबर क्या लिखना है, वो नंबर आपका 4 है, और अगर मैं 4 ऐड कर दूँ 525 में तो वो 529 हो जाएगा, और मैंने इसको दिखाया था कि दिस वन इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो आपको जो बेटर लगे आप दोनों तरीके मैंने बता दिए, मैं इसको फॉलो करूँगी क्योंकि इसमें टाइम बहुत बच जाता है। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, अब मैं नेक्स्ट पार्ट अभी करवा देती हूँ इसका। इसका नेक्स्ट पार्ट लिया है मैंने, नेक्स्ट 1750, चलो उस पर ट्राई करते हैं। 1750 आपने पेयर बनाए, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये 3 3 जा 4 4 जा, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25, तो प्लीज़ ट्राई 4 4 के लिए ट्राई करो, 4 4 जा 16, 1 बचा ऊपर से पेयर आया 50, 4 का डबल होता है 8। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 जा ले लेती हूँ तो 1 जा पे तो चला जाएगा, अगर मैं 2 जा लेती हूँ तो मेरा आएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, बड़ा नंबर आ रहा है। जाना किस पे है ये, 1 जा पे, किस पे जाना है, 1 जा पे। पर मैंने आपको जो स्टेप बताए अगर आपको याद है, जाना 1 पे है लेकिन उससे एक बड़ा ले लो, मैं ये 1 की जगह क्या ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ, ठीक है। और आप जब यहाँ पे 2 लोगे, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। अब आपको 150 में से 164 नहीं माइनस करना, आपको 164 में से 150 माइनस करना है 14। तो व्हाट शुड बी एडिड, हमने क्या ऐड करना है, द 14 इज एडिड इन दिस नंबर, द नंबर बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। इजी है, 1 पे जा रहा था, मैंने 1 नहीं लिया, मैंने 2 लिया, 2 पे लेने के बाद मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, नहीं किया, उल्टा किया, 164 में से 150, नंबर क्या आया, 14। 14 को किस में ऐड करना है, 1750 में 14 ऐड करो तो आपका आ गया 1764। चेक दिस नंबर, दिस नंबर इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब आप चेक करके बताओ मुझे कि ये नंबर क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। 1764, देखो 4 4 जा 16, 1 आया ऊपर से पेयर आता है तो 64 नीचे, 4 का डबल होता है 8। अब आपको पता है 2 जा पे जा रहा है, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, तो दिस इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज स्क्वायर ऑफ 42। तो आई होप यू विल डू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड मस्ट बी एडिड। सब्ट्रैक्शन में सिंपल, आपको जो रिमाइंडर आए वो नंबर में से माइनस कर दो। इसमें जो नंबर आए, नंबर कैसे आता है, इसमें जाना 2 पे था, मैं किस पे लेके गई, 3 पे, जाना 1 पे था, मैं लेके गई 2 पे, और जो नंबर आए वो उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो प्लीज़ फॉलो दिस स्टेप एंड डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज गिवन दैट, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। आपको स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, जबकि आपको एरिया गिवन है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका स्क्वायर हो गया,
अगर मैं इसकी साइड x लेती हूँ तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है। अब ये कहता है एरिया इज गिवन, कितना गिवन है 441, आपको निकालना क्या है एक्स। मैंने पहले भी आपको बताया था अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा अगर पावर 2 है, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो दोनों तरफ क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, अगर ये रूट लोगे 441 और इस तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो गया आपका x। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपकी चॉइस है किसी से भी निकाल लेना 441 का स्क्वायर रूट। मैं अभी डिवीजन मेथड यूज़ करूँगी, 441 पेयर बना, 2 2 जा 4, अब आपने ऊपर से पेयर नीचे आया 41 और 2 का डबल किया 4 और देखो 1 पे ही जा रहा है तो 41, तो सीधा आंसर आ गया 21। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर राइट कर लेना और मीटर है तो मीटर, अब ये सेंटीमीटर गिवन है तो ये 21 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर किसका, साइड का, दिस इज़ योर साइड। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ गिवन, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, दैट इज़ राइट एंगल एट बी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपसे बोला है कि राइट एंगल एट बी तो बी पे ही 90 का एंगल बनाओ, अगर राइट एंगल एट ए बोला है तो ए पे 90 का, राइट एंगल एट सी बोला है तो सी पे 90 का, ये चीज़ मेन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये 7th क्लास में भी बताया जाता है कि राइट एंगल का क्या मतलब है। तो अगर बी पे गिवन है तो यहाँ पे गिवन है बी इज़ 90, तो प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पे बी पे ही 90 बनाओ, कहीं सी और ए पे बना दे तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है बड़ी साइड का स्क्वायर, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो हमारी एक ही प्रॉपर्टी आएगी, कौन सी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी आएगी, और वो ये कहती है कि बड़ी साइड का स्क्वायर इन दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो मैंने वही लिखा है, बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आपको भी ये राइट करना है। पाइथागोरस थ्योरम, बड़ी साइड का स्क्वायर ए बी प्लस बी सी, अब आप इजीली दोनों पार्ट्स कर पाओगे क्योंकि आपको इसमें जो गिवन है वो वैल्यू पुट करते जाओ और जो फाइंड करनी है उसको राइट कर लो। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, आपको ए बी गिवन है, ए बी की जगह लिखो 6 का स्क्वायर, बी सी गिवन है 8 का स्क्वायर, और आपको ए सी फाइंड करना है तो ए सी को रख लो एज इट इज़। तो ये आपका ए सी स्क्वायर हो गया, अब आपका 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36 और 8 × 8 = 64, अब जब आप इनको ऐड करोगे तो 100 आएगा और आपको पता है 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो ए सी स्क्वायर हो गया। बट देखो पावर सेम हो तो बेस भी क्या होता है, सेम होता है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली यू विल डू द सेकेंड पार्ट, आपको ए सी गिवन है, क्या गिवन है ए सी, तो ए सी की जगह लिखोगे क्या 13 का स्क्वायर, एंड बी सी गिवन है, ए बी नहीं गिवन है, तो ए बी को एज इट इज़ लिख लो, बी सी को 5 का स्क्वायर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इधर आके -25 हो जाएगा और यहाँ सिर्फ बचा ए बी स्क्वायर, आप इसमें से माइनस करोगे तो ये 144 आया और ये ए बी स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आप राइट कर लो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, अब दोनों का पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो ए बी डायरेक्ट हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 7, सो यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, सो आई होप यू विल डू, हैव ए गुड डे।